फ्रेंड्स, मैं आपको इनफोकस का लैपटॉप रिवाइव कर रहा हूँ 4 महीने के यूज़ के बाद। तो आप देख सकते हैं, ये इस लैपटॉप का पावर ऑन और शट डाउन बटन है। इस लैपटॉप का मेन प्रॉब्लम जो है, इसका कीबोर्ड बहुत परेशान करता है, क्योंकि बहुत डिस्टर्ब होता है। आप क्लिक करेंगे कुछ और, या और ये क्लिक कुछ और कर देता है। बाकी सब इसका ठीक है। और वॉल्यूम जो कि पीछे की तरफ है, तो आप समझ सकते हैं कि साउंड क्वालिटी आपका, जब भी आप मूवी वूवी देखते हैं इस लैपटॉप में, तो वो नहीं, मफल होता है, सुनाई सही से नहीं देता है। तो और मैंने इसको 15,000 में ख़रीदा था, इस टाइम इसका प्राइस 10,000 हो गया है। अगर आप ये लैपटॉप खरीद रहे हैं, तो पहले से जान लीजिए इसमें मेन प्रॉब्लम इसका कीबोर्ड नहीं, माउस का है। बहुत दिक्कत होता है, आप क्लिक कुछ और करेंगे, क्लिक कुछ और हो जाता है। और आप ओपन न्यू टैब करना चाहते हैं, लेकिन वही वही लिंक वही पे से क्लिक हो जाता है। इसमें मेन प्रॉब्लम खाली इसका माउस को लेके मैंने फेस किया ज़्यादातर। हाँ, लैपटॉप जो कि आपका 15,000 का कम है, आप आराम से जीमेल यूज़ कर सकते हैं, यूट्यूब में वीडियो देख सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, गाना मूवी देख सकते हैं। लेकिन मूवी देखने के लिए आपको हेडफोन या अलग सा कोई स्पीकर, क्योंकि इसका स्पीकर नीचे की तरफ है तो वो मफल्ड हो जाता है, तो आपको एक्स्ट्रा स्पीकर या हेडफोन यूज़ करना पड़ेगा मूवी देखने के लिए और गाना सुनने के लिए भी। हाँ, स्लो है। हाँ, तो कहाँ कहाँ इसका स्लोनेस आपको प्रॉब्लम करता है, खासकर ये स्लो होने के कारण इसमें फेसबुक में आपको बहुत दिक्कत आएगा, पेज सही से लोड नहीं होता। बाकी मेरे पास और भी लैपटॉप है, हाई 30,000 प्राइस के थे, इसलिए वो अच्छे मस्त काम करते, लेकिन ये हाफ प्राइस का है, इसलिए जीमेल आराम से होगा, गूगल ब्राउजिंग आराम से होगा, यूट्यूब में वीडियो देख सकते हैं। लेकिन फेसबुक बहुत प्रॉब्लम होता है, फेसबुक यूज़ करने में, ट्विटर आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फेसबुक में बहुत प्रॉब्लम होता है। बस यही था आज का।